प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्या अट्रैक्ट होना है लेसर देन आईपीएल में? जी क्या कहते हैं राशिद? सर यही है कि अगर मेरी जो वर्थ है 9 to 5 जॉब करने की वो 1 लाख रुपए है और मुझे कोई 10 लाख देगा तो गलत काम करवाएगा ना। दूसरा सवाल पूछे हाईएस्ट मतलब अटेंडेंस का, वो भी अनऑफिशियली इंडिया के पास ही है, जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में कोलकाता में तकरीबन 1 लाख आदमी आया था। द पॉइंट इज दैट पाकिस्तान के, आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान में भी शायद अगर ऐसा फाइनल हो तो लोग आएंगे देखने के लिए पीएसएल का फाइनल। लेकिन मसला है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी है वो आई थिंक नेशनल स्टेडियम या गद्दाफी की है, जो कि पहले 30,000 थी, उसको भी कम करके थोड़ा सा 28-29,000 कर दी। तब क्या करें, मतलब जितना है उतने लोग आएंगे। तो बहरहाल गुड विन बाय गुजरात। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है भारत में जो अभी आईपीएल 2022 हुआ उसके बाद का, और राशिद लतीफ और डॉक्टर नुमान नियाज का भी रिएक्शन है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं बात कि अंदर से पाकिस्तानी कितना जलते हैं आईपीएल से और उनका जलना जाए। इस तरह का फाइनल आईपीएल का बना दिया है, क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेज, बीसीसीआई को क्रेडिट देना पड़ेगा इस एक अचीवमेंट के लिए। मैच की बात करेंगे, मैच में तो लोकल गुज्जू बॉय हार्दिक पांड्या ने तो जो आज बताया ना कि वो कहते हैं ना ये मेरा घर और यहाँ का मैं जेकांत शिकरे, तो जेकांत शिकरे वाली उसने परफॉर्मेंस दे दी है, ये मेरा इलाका और यहाँ का मैं जेकांत शिकरे हूँ। तो जेकांत शिकरे उर्फ हार्दिक पांड्या की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस एंड ऑल द लोकल सिटीजन ऑफ अहमदाबाद। व्हाट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर यू हैव क्रिएटेड, व्हाट एन अमेजिंग पावर शो इट वाज, स्टार्टिंग फ्रॉम रणवीर सिंह ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी यानी ओपनिंग उसके 10 गानों की परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद एआर रहमान, व्हाट एन एटमॉस्फेयर। और अनऑफिशियली मतलब ऑफिशियली अभी थोड़ी देर में आ भी जाएंगे स्टार्ट, अभी मैं क्रिकेट इन्फो के स्टार्ट भी देख रहा था कि सबसे बड़ा T20 या टेस्ट लोकल एक दिन की क्रिकेट का ये सबसे बड़ा मुकाबला बन चुका है, इससे बड़ी ऑडियंस कभी नहीं देखी गई। 1 लाख की ऑफिशियल ऑडियंस है, अभी वो एक दफा बीसीसीआई उसकी ऑफिशियल ऑडियंस दिखा दे तो ये ऑफिशियल इसके ऊपर मोहर भी लग जाएगी। लेकिन अनऑफिशियली कह लें, अनअनाउंस कह लें, ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजाने में इंडिया कामयाब हो गया। और वाकई जहां मेहनत होती है, जहां पैसा होता है और वो पैसा लगाया जाता है और फिर उसके ऊपर मेहनत की जाती है, सिस्टमैटिक आपको चेंजेस दिखती हैं, तो आपको दिखता है कि वाकई मेहनत रंग लेकर आती है। और क्या खूबसूरत मूवमेंट है, आई एम श्योर जितने वहां के लोग होंगे, जो इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लोग होंगे, वो इतना प्राउड फील कर रहे होंगे आज इस मूवमेंट पे। मैं काश को सुन रहा था, आमिर खान द बॉलीवुड स्टार आमिर खान और क्या कहते हैं रवि शास्त्री, सबको सुन रहा था, एक इमोशनल सी एक कहते हैं ना एक टोन के अंदर एक इमोशन था और वो इमोशन जस्टिफाइड है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जब एक इतना पैशनेट आप हो ना क्रिकेट या किसी गेम के लिए और उस गेम के ऊपर आप मेहनत करो और इस मेहनत का सिला जब आज आपके सामने करे कि सवेरा, मेरे ख्याल से तुम भी इस बात को अग्री करोगी, अनऑफिशियली ऑफिशियली इन वॉट एवर टर्म्स आप जो भी कर लो, ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला और वाकई सबसे बड़ा मेला, ये उस वाले हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाले मेला हम नहीं कह रहे कि नहीं जी सबसे बड़ा क्रिकेट का मेला या सबसे बड़ा मैच, ये वाकई सबसे बड़ा मेला हो गया। और उसके ऊपर जो लोकल टीम ने परफॉर्मेंस दी है, वो कहते हैं ना वो एक मजे की दाल तैयार थी, उसके ऊपर वो तड़का लगा दिया हार्दिक पांड्या ने, हार्दिक पांड्या ने कमर तोड़ दी राजस्थान की। व्हाट एन एनवायरनमेंट, मतलब अब मैं अगर स्टेडियम की बात करूं, सबसे पहले द बिगेस्ट क्राउड अवेलेबल इस वक्त जो कि मैचेस पे, क्रिकेट मैच पे क्राउड अवेलेबल, व्हाट 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 अ परफॉर्मेंस बाय द क्राउड, सबसे पहले आई वुड से, क्योंकि जिस तरह भरा हुआ क्राउड, जचा हुआ है क्राउड, आई वुड से जैसे कहते हैं ना काम गचा हुआ होता है, वैसे गचा हुआ है क्राउड, और उसी के साथ साथ उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिली। इट वाज सो सो ह्यूमिड देयर, वी कुड सी रणवीर किस तरह ही वाज स्वेटिंग हियर एंड देयर, बट हाउ ही परफॉर्म। सुपर पावर है क्रिकेट में, तो आज आईपीएल फाइनल के बाद आई थिंक उसको इस चीज का जवाब मिल गया होगा कि क्यों इंडिया जो है वो सुपर पावर है क्रिकेट में, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है क्रिकेट की इंडिया में कि आज हमने देखा कि आईपीएल का फाइनल जो था इट बिकेम द लार्जेस्ट अटेंडेड क्रिकेट मैच इन हिस्ट्री, कोई 1,05,000 आदमी करीब जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मौजूद था फाइनल देखने के लिए। और मतलब जो शौक है क्रिकेट का इंडिया में, जो मार्केट है क्रिकेट के लिए इंडिया में, जो पैशन है क्रिकेट के लिए लोगों का, जो टैलेंट अब सामने उभर के आ रहा है, ऑल दीज थिंग्स यू नो, ये एक वजह है कि वाई इंडिया इज सच अ बिग पावर इन वर्ल्ड क्रिकेट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी सॉ इन द पीपल कमिंग टू द स्टेडियम वंस द रिस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड, प्लस फिर दूसरा ये कि क्योंकि अब स्ट्रीमिंग अवेलेबल है मोबाइल फोन्स पे, टैबलेट्स पे, हर जगह एक्सेस है लोगों का, तो इट वॉज लाइक आई थिंक फाइनेंशियली
बूमिंग सक्सेस फॉर बीसीसीआई, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. आज 1,05,000 आदमी आने का मतलब यह है कि बीसीसीआई इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज नाउ, स्पोर्ट्स बॉडीज नाउ इन द वर्ल्ड. साफ सीधी बात है, दे कैन कंपेयर देमसेल्फ इफेक्टिवली विद बॉडीज लाइक फीफा एंड व्हाट यू कॉल इट द वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन एंड ऑल, बिकॉज वो पैसा इतना है उनके पास यार. और फिर आज इंडियंस ने बताया कि क्यों वो क्रिकेट से कितनी उनका मतलब कितना ज्यादा उनका लगाव है. और इट्स अ गुड थिंग बिकॉज क्रिकेट जो है ना वो जो पैसा आता है क्रिकेट में इट डजंट कम थ्रू इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट अबाउट इट. जो पैसा आता है वो आता है इंडिया से और फिर दूसरे एशियन मार्केट से जैसे पाकिस्तान श्रीलंका वगैरह, लेकिन जो मतलब लायन शेयर है वो इंडिया का है यार. साफ सीधी बात है, दैट इज वाई इंडिया सच अ बिग सुपर पावर इन क्रिकेट, दैट इज वाई दे हैव सच अ बिग से. क्योंकि जब ऐसा फाइनल कराओगे तो फिर क्या रह गया यार. अब मसला ये है कि हमारे वहां मतलब अच्छा जो प्रीवियस रिकॉर्ड था हाईएस्ट मतलब अटेंडेंस का वो भी अनऑफिशियली इंडिया के पास ही है. जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में कोलकाता में कोई तकरीबन 1,00,000 आदमी आया था. द पॉइंट इज दैट पाकिस्तान के आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान में भी शायद अगर ऐसा फाइनल हो तो लोग आएंगे देखने के लिए पीएसएल का फाइनल. लेकिन मसला है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी है वो आई थिंक नेशनल स्टेडियम या गद्दाफी की है, जो कि पहले 30,000 थी उसको भी कम करके थोड़ा सा 28,000-29,000 कर दी. तब क्या करें, मतलब जितना है उतने लोग आएंगे. तो बहरहाल गुड विन बाय गुजरात एंड अ वेरी सक्सेसफुल आईपीएल. फुल जैम पैक स्टेडियम था, मजा आया मैच देखने का. इतना बड़ा स्टेडियम और इतनी आवाम मैंने इससे पहले नहीं देखी. मतलब कि जिसको कहते हैं रोंटे खड़े हो गए थे इतनी आवाम देख के. उस आवाम के अंदर मैच चल रहा था जबरदस्त किस्म का. और आज आईपीएल के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आएगा. मतलब कि इतनी बड़ी शर्ट बना दी जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है आने वाले टाइम पे. तो मैच की बात करें, मैच बड़ा जबरदस्त हुआ. सबसे पहली गलती संजू सैमसन की ये थी कि उसने टॉस जीत के बैटिंग की, जो कि मैंने शुरू में ही कहा था ये अच्छा फैसला नहीं है. लेकिन जिस तरह से जोस बटलर आज खेल रहे थे, 16.25 करोड़ अगर दे दिया जाए और वो ओनली सेकंड टू विराट कोहली 17 करोड़, फिर युवराज सिंह ने शायद 16 करोड़ लिया था 2015 में, पैट कमिंस का पिछले साल 15.5 करोड़ था, काइल जेमिसन 15 करोड़ में इस बार ही हैज बीन पिक्ड अप, और बेन स्टोक्स 14.5 करोड़ था 2017 में, ग्लेन मैक्सवेल जो है वो 14.25 करोड़ में इस बारी सेलिंग हुई है. तो जब हम ये डिस्पैरिटी देखते हैं तो obviously players जो top players हैं उन्होंने क्या attract होना है lesser than IPL में. जी क्या कहते हैं राशिद? सर यही है कि अगर मेरी जो worth है 9 to 5 job करने की वो 1,00,000 रुपए है और मुझे कोई 10,00,000 देगा तो गलत काम करवाएगा ना. दूसरा सवाल पूछें. दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा पाकिस्तान के राशिद लतीफ, डॉक्टर नुमान नियाज भारत को लेकर काफी शो करते हैं. इंडियन क्रिकेट लीग और भारतीय क्रिकेट को कवर करते हैं. पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं या जर्नलिस्ट हैं वो भारत को लेकर काफ़ी कवर करते हैं, यूट्यूब पर कवर करते हैं. आपको रीज़न पता है, व्यूअरशिप अर्निंग सब कुछ डिपेंडेंट है, अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं वो. तो ऑब्वियसली तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन कभी कभी आपको भी पता है कि जब आप सच्चे मन से किसी चीज़ की मतलब तारीफ नहीं करना चाहते हैं, मतलब आप झूठ बोलना चाहते हैं, तो कभी कभी सच्चाई सामने आ जाती है. आपने देखा होगा कई वीडियो शोएब अख्तर के, और शोएब अख्तर के तो इस तरीके के वीडियो कि उन्होंने ये तक बोला कि आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को तबाह कर दिया है, इस तरीके की बातें तक बोली हैं. तो समझ सकते हो आप इनकी जलन. ऑब्वियसली पाकिस्तानी प्लेयर उसमें है नहीं, पाकिस्तान के लोग डेफिनेटली आईपीएल को कैसे पसंद करेंगे, ये भी एक वैलिड रीजन है. आप अगर एज अ पाकिस्तानी एक सेकंड के लिए बने, हालांकि क्यों बने, लेकिन बने और सोचे तो आप आईपीएल को क्यों पसंद करेंगे, बताइए आप क्यों पसंद करेंगे. तो ये चीज है. अब राशिद लतीफ बोलते हैं कि जहां पर इतने पैसे मिलते हैं तो ऑब्वियसली कुछ गलत काम भी कराए जाते होंगे. तो भैया फिर आप समझ सकते हो, ये राशिद लतीफ उस गैंग का हिस्सा है जिसमें वसीम अकरम की टीम जो 1999 का वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी, जिसको लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बोला था कि वो जज ने क्लियर बोला था कि ये फिक्सिंग हुई थी मैच में और इन सब खिलाड़ियों ने फिक्सिंग की थी. हालांकि अब इतने बड़े बड़े प्लेयर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ अब दब गई होगी. उसका कभी दुनिया के सामने उसका आने का मतलब सच्चाई आने का कोई मतलब उम्मीद ही छोड़ दीजिए आप. पाकिस्तान के उस टाइम पर बहुत सारे प्लेयर फंसे थे और फिक्सिंग और पाकिस्तान का कनेक्शन आपको पता है क्या है, बहुत अच्छी खासी इनकी हिस्ट्री है फिक्सिंग के साथ. तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर जैसे सवेरा पासा और इसका हस्बैंड हर मतलब मैच में प्री पोस्ट मिड इनका एनालिसिस आता रहता है, लेकिन सवेरा पासा का आप ट्विटर चेक करेंगे ये एक ट्वीट नहीं करती है. तो जहां से पैसा आएगा वहीं पर ये लोग टाइम भी देंगे इंडियन क्रिकेट को कवर करने के लिए, बाकी क्यों दें वो टाइम, समझ सकते हो आप.
और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट को गाली देंगे, भारत की तारीफ करेंगे, ऑब्वियसली भारतीय खुश होंगे तो उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, तो व्यूअरशिप बढ़ेगी तो पैसे बढ़ेंगे बनेंगे, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अंदर से जो है ये लोग डेफिनेटली आईपीएल से जलते हैं, ये एक